इस साल 21 मार्च 2019 को 3 बिग मूवीज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही हैं। आपको बता दें, इन तीनों फिल्मों को देखने के लिए दर्शक बहुत ज़्यादा बेताब है और इंतज़ार में हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों ही फिल्मों के बारे में और बताते हैं आपको कि कौन सी फिल्म इनमें आगे निकलने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों, पहली मूवी है मर्द को दर्द नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म एक एक्शन और कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। रोनी स्क्रूवाला और वासन बाला के निर्माण में बनी यह फिल्म भी 21 मार्च 2019 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। वहीं यह मूवी चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि थोड़ा सा हटके इसका विषय है। दूसरी मूवी है पुली जोधम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन साउथ के मशहूर निर्देशक बी उन्नी कृष्णन ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। इस फिल्म में मोहनलाल, मंजू वारियर और विशाल जैसे बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये साउथ की बहुत बड़ी मूवीज में से एक मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में कामयाब हो सकती है और साउथ इंडस्ट्री के अंदर ये काफी अच्छी कमाई कर सकती है। तीसरी मूवी है केसरी। जी हाँ दोस्तों, अनुराग सिंह के निर्देशन में और करण जौहर के निर्माण में बनी यह फिल्म सारागढ़ी युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को दर्शक बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी का बस बहुत समय से बना हुआ है। यह फिल्म भी 21 मार्च 2019 को होली के मौके पर ही रिलीज हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इन तीनों के हिसाब से देखा जाए तो केसरी जो मूवी है वो इन सबसे आगे निकलने में कामयाब हो सकती है क्योंकि अक्षय कुमार काफी बड़े स्टार हैं और उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और इस मूवी का बस काफी ज्यादा अच्छा है। और इस बार अक्षय कुमार एक्शन कंटेंट में और देशभक्ति के फ्लेवर के साथ नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी मारेगी बाजी बॉक्स ऑफिस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।